आज हम जल्दी बनने वाली चिकन करी बनाएंगे, होममेड चिकन करी जो बहुत ही जल्द बनकर तैयार हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए बनाते हैं। कढ़ाई में हम तेल डालेंगे 3 चम्मच और इसे गर्म कर लेंगे। गर्म होते ही इसमें जीरा, 2-3 इलायची और लौंग और चक्री फूल, कूटा हुआ अदरक, कूटा हुआ लहसुन और रफली कटा हुआ 2 प्याज, 3 हरी मिर्च तोड़कर डाल देंगे। नमक डालेंगे इसमें और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि प्याज जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च को भिगोकर, मैंने इसका दाना निकाल कर पीस लिया है, इसे हम डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1/2 किलो चिकन को अच्छी तरह से साफ़ करके रख लिया था, इसे डालेंगे और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। फिर से अच्छी तरह से इसे हम 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से चलाते हुए भून लेंगे और इसे कवर करके हम 3 मिनट तक लो फ्लेम में छोड़ देंगे ताकि इसका पानी निकले। तो चिकन में से पानी छूटता है तो ये 3 मिनट के बाद ये देखिए इसमें थोड़ा पानी निकल चुका है। और अब इस टाइम पर हम 3 टमाटर रफली काट कर डालेंगे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और भुना जीरा पाउडर और गरम मसाला और कुटी काली मिर्च। इन सारी चीज़ों को डालकर हम थोड़ा सा और अभी टमाटर डालें तो नमक भी डालना ज़रूरी है। और इसी टाइम पर हम धनिया पत्ती काट के ढेर सारा डाल देंगे। इस टाइम पर धनिया पत्ती डालो तो और टेस्ट अच्छा होता है, खुशबू भी अच्छी आती है, टेस्ट भी बढ़ जाता है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करके हम कवर कर देंगे और 5-7 मिनट तक इसे हम लो फ्लेम में पका लेंगे। तो ये देखिए कितना मस्त ये लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद थोड़ा सा इसमें और पानी डालेंगे और पानी डाल के कवर कर देंगे कम से कम 5 मिनट तक। कवर हटाएंगे, ये देखिए इसकी ग्रेवी कितना अच्छा से बनके रेडी हो गया है, सारे प्याज घुल गए हैं। अब गैस को ऑफ कर देंगे, हरा धनिया ऊपर से डालेंगे, मिक्स करेंगे और ये देखिए लजीज, लाजवाब, जानदार, शानदार हमारा चिकन करी, होममेड चिकन करी रेडी है। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस तरह से आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए, बहुत ही अच्छा और टेस्टी बनता है, टाइम भी कम लगता है, इसे बनने में 17 मिनट लगे हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे इसी तरह की अच्छी, आसान और कम समय में बनने वाली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।